नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपको पूर्व रूप, पररूप और प्रकृति भाव संधि पढ़ाने जा रहे हैं। पूर्व रूप संधि के बारे में जानते हैं, इसका सूत्र जाने सबसे पहले एंगः पदान्तात् अति। एंग का अर्थ है ए और ओ। माहेश्वर सूत्र पढ़ाते समय आपको बताया गया था एंग प्रत्याहार के बारे में। एंग यदि पद के अंत में हो और परे अति अर्थात अ हो तो उसको पूर्व रूप संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं हरे धन अभा, यहाँ पर पदांत में ए है, एंग का ए, और पर में अ है तो इसका रूप पूर्व रूप ही रहेगा, यथा हरे और यहाँ अ का अवग्रह हो जाएगा तो अवा, लेकिन उच्चारण में अवग्रह का लोप हो जाता है, इसका उच्चारण नहीं करते हैं तो रूप बनेगा हरे व। अगला उदाहरण देखते हैं वने धन अत्र, यहाँ पर एंग है वने में ए का, तो यहाँ पर वने का वने रहा और पर में अ है तो इसको अवग्रह हो जाएगा और रूप बनेगा वनेत्र। अगला उदाहरण देखते हैं देवो धन अयम, यहाँ पर एंग का यहाँ पर ओ है, ए ओ होता है एंग में और पर में अ है तो इसको भी देवो यम, अ का अवग्रह हो गया है और ओकार को पूर्व रूप ही रहा है। अगला उदाहरण है को धन अत्र, इसको भी कोत्र बोलेंगे, ओ को ओ है और अ का अवग्रह हो गया है तो रूप बना है कोत्र। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं पररूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी अर्थात एंग आदि में, आद उपसर्गात एंग आदौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। आ उपसर्गात अर्थात अकारांत और आकारांत उपसर्ग, उपसर्ग कौन से, प्रपरा आदि होते हैं, जैसे देखेंगे प्र इसमें अंत में अ सुनाई दे रहा है तो अकारांत प्र उपसर्ग है, परा में आ सुनाई दे रहा है तो ये आकारांत परा उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग पूर्व में होने पर और एंग ए ओ परे रहने पर पररूप एकादेश होता है। जैसे यहाँ पर प्र धन एशनम, तो प्र में अ की आवाज आ रही है, अ का स्वर सुनाई दे रहा है, प्र उपसर्ग है और पर में एशनम, यहाँ पर एंग है, एंग में ए और ओ होते हैं तो एंग का ए यहाँ पर आया है तो प्र का प्र रहा और ए क्योंकि ये पर रूप है ए की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी तो रूप बना है प्रेषणम। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं अवधान औषधि अवोषधि, यहाँ पर अव यहाँ भी अकार उपसर्ग है और अकारांत उपसर्ग के पश्चात ओकार आ रहा है, एंग का ओ है तो यहाँ पर भी ये पूर्व और पर का एक रूप हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा अवोषधि। अब आगे चलते हैं प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक शब्दों से परे, स्वर्ग के परे रहने पर, स्वर परे रहने पर नित्य ही प्रकृति भाव रहता है। प्रकृति भाव का अर्थ है ज्यों का त्यों। जैसे प्लुत प्रगृह्य का प्रयोग देखें, यहाँ पर हरि प्रथमा विभक्ति है, हरि ये द्विवचन रूप है तो प्रगृह्य द्वितीय वचन होता है, द्विवचन होता है रूप का, और इसके पश्चात स्वर के रूप में ए आ रहा है, ए तौ का ए तो इसका संधि ज्यों का त्यों रहेगा प्रकृति भाव हरि ए तौ। एक और उदाहरण देखते हैं लते धन एते, लता का द्विवचन है लते धन एते, एते स्वर आ रहा है यहाँ पर पश्चात में तो इसका रूप ज्यों का त्यों रहेगा लते एते। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं विष्णु धन इमौ, यहाँ पर विष्णु का द्विवचन रूप है विष्णु धन इमौ में इकार स्वर के रूप में आ रहा है तो इसका भी प्रकृति भाव रहेगा विष्णु इमौ। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं गंगे धन अमु, यहाँ पे गंगा का द्विवचन रूप है गंगे और अकार के रूप में स्वर आ रहा है तो इसका भी प्रकृति भाव रहेगा गंगे अमु।
तो इस प्रकार सूत्रों के द्वारा हमने इन तीनों संधियों के विषय में जाना। अब अगले विषय के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।